ये सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर में दुनिया में पूरी कहीं भी कुछ भी अगर खास है तो वो बहुत जल्दी दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंच रहा है। ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अयोध्या में एक साधु हैं और उनका नाम है पंडित मानस दास। उनकी गायकी पिछले 15-20 दिनों से सोशल मीडिया में इस कदर वायरल है कि मुझे लगता है अगर सारे प्लेटफॉर्म्स को जोड़ दिया जाए सोशल मीडिया के तो लगभग करोड़ों लोग उनकी गायकी देख चुके हैं। पहली बात तो विजुअली बहुत अच्छा लगता है कि एक दाढ़ी वाले साधु और बहुत पक्के सुरों में आप उनसे कवाली सुन लें, आप उनसे दादरा सुन लें, आप उनसे गजल सुन लें, आप उनसे फिल्मी गाने सुन लें, सब कुछ बहुत ठहराव के साथ और सब कुछ बहुत ही पक्के सुरों के साथ। तो हमने ये तय किया कि क्यों ना अब ये उत्सुकता भी है लोगों की कि मानस दास जी हैं कौन, इनका अयोध्या से क्या रिश्ता है, संगीत अगर इन्होंने सीखा तो कहाँ से सीखा, किससे सीखा, ये किस घराने के हैं। तो इस तरह की तमाम जो उत्सुकताएं थीं उनको उनका जवाब ढूंढने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया और वो हम उनके आभारी भी हैं कि वो हमारे पास आए और अब हम उनसे इस तरह से कुछ उनका जो अभी तक का जीवन है, उनकी जो गायकी है उसको लेकर बातचीत करेंगे और जाहिर तौर पर कुछ अच्छी चीज़ें एक बार फिर सुनेंगे क्योंकि इस वक्त उनकी आवाज़ ऐसी मशहूर हो गई है कि जितना सुनिए लगता है थोड़ा लालच आता है कि क्यों ना थोड़ा और सुन लिया जाए। तो मानस दास जी, सबसे पहले तो आपका फिर से मैं आभारी हूँ और आपको ये जानकारी मिली है कि नहीं मिली अभी तक कि आपको इस वक्त पूरा देश जो है बहुत ही प्यार के साथ सुन रहा है और बहुत ही उत्सुकता से सुन रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें सूचना है, हमारे जो स्नेही प्रेमी लोग हैं वो बताते रहते हैं। तो पहला सवाल तो मानस दास जी यही दिमाग में आ रहा है हर किसी के कि आप थे कहाँ, आप छुपे हुए कहाँ थे, कहाँ ये जो गायकी का दौर चल रहा है उसमें इतने पक्के सुरों वाला आदमी, कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं जो है जाऊँ मीडिया के सामने जाऊँ या उन प्लेटफॉर्म्स पे जाऊँ जहाँ से लोग मुझे जाने? दरअसल मैं जिन परमात्मा से संबंध रखता हूँ जी, उनके बारे में तुलसी बाबा लिखते हैं, तापस वेश विशेष उदासी। परमात्मा राम विशेष उदासी रूप धारण करके अयोध्या से जब निकले और उनके आने के बाद ही भगवती जगदम्बा पृथ्वी में समाहित हो गई, तब से अयोध्या की भूमि उदासीनता से घिरी हुई है। तो वहाँ हमारे जैसे हमसे पहले भी दिव्य और श्रेष्ठ साधु हुए जिन्होंने संगीत को सिर्फ उपासना मार्ग में उपयोग किया, उन्होंने प्रदर्शन में नहीं लाया। लेकिन मैं ये विचार किया अपने प्रबुद्ध लोगों के द्वारा सुनकर कि इसको प्रचारित और प्रसारित किया जाए, क्योंकि अयोध्या पूरी मस्तके, अयोध्या सभी पुरियों का मस्तक है और संगीत का पर्याय है, यहीं संगीत की रक्षा हुई है। आप सुने होंगे हवेली परंपरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो हवेली परंपरा अपभ्रंश नाम है, वो मंदिर परंपरा उसको कहिए आप। अच्छा, हवेली परंपरा तो आधुनिक लोगों ने नाम रख दिया उसका। दरअसल विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का आप नाम सुने होंगे, वो हमारे अयोध्या के ही साधु थे। अच्छा, अयोध्या के साधु थे, अयोध्या में दीक्षित हुए और यहाँ उन्होंने ठाकुर जी को राग रागिनी सुनाए। उनके कितने पद हैं जो कनक बिहारी जी को ठाकुर जी का नाम लेकर उन्होंने पद की रचना की है। फिर वो ग्वालियर चले गए, यहाँ से ग्वालियर गए, प्रचार प्रसार किया, अयोध्या भी आते जाते रहते थे। उन्हीं के शिष्यों की श्रृंखला में श्री राम मोहिनी शरण, श्री राम किशोर दास जी की श्रृंखला में एक साधु श्री गौरी शंकर महाराज जी के नाम से जाने गए जी, जो हमारे पूज्य गुरुदेव हुए। वो ध्रुपद के, तराने के, तिरवट के और चतुरंग के और प्रबंध गान के बहुत ही सिद्धहस्त गायक हैं इस समय। तो मैं अपनी पात्रता के अनुसार उनसे जो सीखा थोड़ा मोड़ा कोशिश कर रहा हूँ और बांटता हूँ, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है।